बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इलाके में कैंप कर रही है। डॉक्टर और नर्सों की टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं। झारखंड में अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। रांची के हिंदपीढ़ी से दूसरा मामला मिलने के बाद गुरु नानक स्कूल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। रांची के उपायुक्त और एसएसपी अनीश गुप्ता, डीएसपी और सिविल सर्जन लगातार कैंप किए हुए हैं। कंट्रोल रूम से डॉक्टर और नर्स की टीम को रवाना किया गया है। ये टीम पूरे हिंदपीढ़ी इलाके में घर घर जाकर लोगों को चेक कर रही है। झारखंड में अब तक कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में जिस तरह से अब तक 2 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अगर बात करें तो 72 घंटे के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और ये गुरु नानक स्कूल में बात करें तो कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहीं से पूरी तरह से जिला प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए हैं। और पूरी हिंदपीढ़ी इलाके में अगर बात करें तो डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को भेजा जा रहा है, लगातार लोगों का चेकअप कैंप किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी देखे नजर आएंगे पुलिस के अधिकारी हैं, डीएसपी रैंक के, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं और साथ ही साथ जो नर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। इलाके के ज्यादा से ज्यादा लोगों का चेकअप किया जा रहा है। 100 से ज्यादा नर्स की टीम को जांच के काम में लगाया गया है। कई लोगों को रिम्स में भेजा जा रहा है। तैयारी तो आप अपने स्वयं अपने आंखों से देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी फिलहाल 50 टीम बुलाया है जिसमें सभी सीएचओज हैं और इन सभी सीएचओज को हम लोग एक एरिया जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ की वो महिला संक्रमित महिला मिली थी उसके चारों तरफ कंटेनमेंट जोन बना कर करके वहाँ पर घर घर जा कर करके इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो किस वजह से बीमार है। हिंदपीढ़ी में सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं और हम लोग एक्स्ट्रा हाईवे पेट्रोल और PCR वैन्स भी लगाए हैं ताकि हर गली चौराहे पे हम लोग पुलिस का प्रेजेंस रहे। झारखंड में लगातार कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह